सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सो इस आज की वीडियो में बात करेंगे 10 अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो कि आपको 2021 में देखने को मिल सकती हैं। एंड ये जो बाइक्स हैं इनमें से काफ़ी सारी ऐसी बाइक्स हैं जिनका कि कंफर्मेशन हो चुका है कि हाँ ये बाइक आएंगी ही आएंगी। इनको जो है टेस्टिंग पे भी देखा जा चुका है और कंपनी ने भी जो इनकी न्यूज़ दे दी है कि ये बाइक्स जो आपको देखने को मिल जाएगी 2021 में इंडियन मार्केट में। सो चलिए बात करते हैं इन बाइक्स के बारे में। गाइस यहाँ पे फर्स्ट बाइक जो हमारे पास आती है वो आती है इस मनाली की तरफ से 302R। ये जो एक फेयरिंग स्पोर्ट्स बाइक है जो कि पहले जो है काफ़ी आउटडेटेड लुक्स के साथ में आती थी एंड काफ़ी ओल्ड स्टाइल जो वो लगता था, लेकिन अभी जो है बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है। सो यहाँ पे जो है आपको नया लुक्स चेक कर पा रहे होंगे, कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे को जो है काफ़ी शानदार लगा, अपनी डेमो से जो है थोड़ी सी इंस्पायर्ड है एंड यहाँ पे देखने में भी जो है काफ़ी शानदार लग रही है। इंजन जो है सेम है, यहाँ पे जो है सेम आपको एग्जॉस्ट देखने को मिलेगा। उसके अलावा रियर फ्रंट साइड सब कुछ जो है चेंज कर दिया गया है। तो ये जो बाइक है ये भी आपको 2021 में देखने को मिल जाएगी। इसकी जो कुछ फोटोज वगैरह लीक हुई थी जो कि मैंने आपको दिखाई। इसके अलावा जो प्राइस है वो बता दूं आपको, लगभग जो है 3.40 लैक्स तक एक शोरूम जा सकती है एंड ऑन रोड जो है लगभग 4 लैक्स भी टच कर जाए। सो बाकी देखते हैं जब लॉन्च होगी तो क्या इसके एक शोरूम प्राइस निकल के आती है। अभी बात करते हैं सेकेंड बाइक के बारे में। सेकेंड बाइक जो आती है हमारे पास वो आती है यामा की R5 वर्जन 4। R5 वर्जन 3 जो है ऑलरेडी इंडियन मार्केट में काफ़ी अच्छी सेल्स अचीव कर रही है, लेकिन अभी जैसे जैसे जो है नई नई बाइक्स आती जा रही है इंडियन मार्केट में, मतलब जो अपडेट्स हो रहे हैं फेयरिंग बाइक्स में, जो नई नई स्पोर्ट्स बाइक आ रही है जिनमें कि फीचर R5 से ज़्यादा है, जो बाइक्स R5 को कंपटीशन तो देती है उसमें जो अभी फीचर हमें ज़्यादा मिल रहे हैं कंपेयरिंग टू R5। सो यहाँ पर जो है इस R5 को अपडेट किया जा सकता है, इसके वर्जन 4 को लॉन्च किया जा सकता है 2021 के मिड तक। तो आप जो है इसके लिए वेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी जो प्राइस है वो जो है लगभग 6 से 7 हज़ार इसकी भी बढ़ सकती है जब इसका नया वेरिएंट आएगा तब। बाकी चलिए बात करते हैं अभी थर्ड बाइक के बारे में। थर्ड बाइक जो आती है वो आती है NS160 और NS200 की नेक्स्ट जनरेशन। इन दोनों बाइक्स में जो एक नया मॉडल आएगा, फोटोज जो आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो, काफ़ी अपडेट जो इनको भी किया जाएगा, लुक्स जो है टोटली इनका भी चेंज किया जाएगा। फ्रंट में जो LED हेडलाइट्स वगैरह, उसके अलावा जो फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल आपको देखने को मिल जाएगा, उसके अलावा जो LED इंडिकेटर्स, तो यहाँ पे जो है कुछ चेंज किए जाएंगे जो कि शायद आपको अच्छे लगे। बाकी जो है कुछ ऐसी जो है देखने में है, फोटोज जो है लीक हुई थी जो कि पूरी बाइक रैप्ड है, तो आपको जो है अच्छे से पता नहीं चलेगा कि कैसी हो सकती है कैसी नहीं हो सकती, लेकिन जल्दी जो है इसका लॉन्च भी होने वाला है। सो उसके लिए जो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लाइव जो है आपके बाइक के चैनल पर ही चलेगी। बाकी ये बता दो इसके लॉन्च और प्राइसिंग के बारे में। लॉन्च जो है हो सकती है दिवाली टाइम पे, फेस्टिवल सीजन में, मतलब अक्टूबर से नवंबर के बीच में, एंड यहाँ पे प्राइस जो है लगभग इसकी बढ़ जाएगी 5 से 10 हज़ार रुपये ईजिली। सो आप जो है इनके लिए भी वेट कर सकते हो। बात करता हूँ फोर्थ बाइक के बारे में। फोर्थ बाइक हमारे पास आती है TVS चैपलिन। TVS चैपलिन के बारे में बताऊँ तो TVS की जो कन्फर्म हो चुकी है, TVS चैपलिन जो है वो लॉन्च करेंगे अपनी जून मंथ में जो है इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ये जो है क्रूजर बाइक होने वाली है जो कि अपने सेगमेंट में शायद काफ़ी अच्छी जो है एक पॉपुलरिटी पा सकती है यदि इसको लॉन्च किया जाए तो। तो यहाँ पे जो ये बाइक आपको 220cc के इंजन के साथ में देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी फीचर लोडेड है ये बाइक। यहाँ पे आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिलेगा, उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको जो हेडलाइट है वो जो है पूरी LED में, उसके जो लुक्स है वो जो है काफ़ी लाजवाब है। तो लुक्स जो आप चेक करो और फिर मेरे को बताओ कि कैसा लगा जो आपको इसका लुक्स। बाकी इस बात करते हैं इसके लॉन्च और प्राइसिंग के बारे में। जून मंथ तक जो है लॉन्च हो जाएगी, प्राइसिंग जो है लगभग इसकी 2 लाख रुपीज़ तक जा सकती है ऑन रोड। बाकी अभी बात करते हैं इस सिक्स्थ बाइक के बारे में, सिक्स नहीं फिफ्थ बाइक के बारे में। सो यहाँ पे जो फिफ्थ बाइक आती है वो आती है अपाचे RR 310 न्यू मॉडल। अपाचे RR 310 में जो कुछ नए चेंजेस किए जाएंगे, आपके भी जो है काफ़ी ज़्यादा कमेंट होते हैं हर वीडियो में कि भाई RR 310 के बारे में बताओ कब आएगी कब नहीं आएगी। तो जिसका जो है लॉन्च था 7 तारीख को, 7 अप्रैल को, वो जो है इन्होंने ओवर डिले कर दिया कोविड की वजह से। सभी जो है कभी भी आ सकती है, लेकिन अप्रैल में जो आपको देखने को मिल जाएगी, ये जो 101% कन्फर्म है कि आपको जो अप्रैल में RR 310 का जो एक न्यू मॉडल देखने मिलेगा जिसमें आपको कुछ चेंजेस देखने मिलेंगे, लाइक जिसमें आपको ज़्यादा पावर देखने को मिल जाए जो अभी जो मॉडल है उससे, एंड कुछ नए फीचर्स भी ऐड किए जा सकते हैं। बाकी ऑलरेडी फीचर लोडेड है तो शायद आपको ज़्यादा कुछ चेंज ना देखने मिले, बट जो इंजन है वो जो है जरूर अपग्रेड किया जाएगा और ये अपनी कंपटीटर्स को जो है अच्छे से धूल चटा पाएगी। सो बाकी बता दो इसके प्राइसिंग के बारे में। प्राइस जो अभी तक कुछ खास अब रूमर्स जो नहीं निकल गए प्राइसिंग की कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपको बता दूँ लगभग जो है 4 से 5 हज़ार जो प्राइस पड़ सकती है। बाकी चलिए इस बात करते हुए सिक्स बाइक के बारे में। सिक्स बाइक जो आती है हमारे पास यामा की XSR 250। रूमर्स निकले थे ना कि 250 आएगी, बट आपको कंफर्म कर दूं XSR 250 जो इसका नाम नहीं रहेगा, इसका जो नाम होगा इस वो होगा कि FGX, FG Adventure, या फिर जो FGX आप जो है नाम समझ सकते हो, बिकॉज इसका जो नाम है वो FZX ही जो है होने वाला है।
सो यहाँ पे जो है ये 250 cc इंजन के साथ में आएगी, जो अपनी FG के अंदर अभी आपको देखने को मिलता है, सेम वही पावर वगैरह, लेकिन जो लुक्स है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। सो यहाँ पे जो थोड़ी सी रेट्रो लुक्स में जो है देखने को मिलेगी। सो ये बाइक भी जो है टेस्टिंग पे अभी देखी गई है कुछ दिन पहले, और इसको भी जो जल्दी लॉन्च किया जाएगा। इस बाइक में भी जो आपको काफ़ी कुछ नया देखने को मिल सकता है। सो आप जो इसके लिए भी वेट करो, पहले कुछ 2 से 3 महीने में जो इसको भी लॉन्च कर दिया जाएगा भारतीय मार्केट में। एंड अभी बताते हैं इसके प्राइस के बारे में। सो प्राइस जो है इसके लगभग लगभग 1.80 लैक्स तक जो है जा सकती है, एक शोरूम ऑन रोड जो है लगभग 2 लैक्स रुपीज़ तक। सो आप जो इसके लिए भी वेट कर सकते हो। सो चलिए बात करते हैं 7th बाइक के बारे में। 7th बाइक हमारे पास आती है पल्सर NS250, बजाज की पल्सर NS250। पल्सर NS250 जो है गाइस एक नए अवतार में, NS200 आपने देखी काफ़ी अच्छा जो है एक सेल्स फिगर था उसका अभी तक, लेकिन अब जो है आउटडेटेड हो गई है। लेकिन अब जो है इसकी एक बड़ी बहन आएगी NS250, जिसमें 250 cc का इंजन, उसके अलावा जो है एक डिफरेंट लुक्स, काफ़ी मस्कुलर आपको इसका पूरा बॉडी डिज़ाइन लुक्स वगैरह देखने को मिलेगा। जो प्राइसिंग है वो भी जो आपको ठीक ठाक मिलेगी, मतलब ज़्यादा ओवर प्राइस जो है नहीं नज़र आएगी। 1.70 लैक्स तक जो इसकी एक्चुअल प्राइस जा सकती है, एंड ऑन रोड जो है लगभग 1.70 एक्चुअल एंड 1.95 लैक्स तक जा सकती है। सो थोड़ी सी कॉस्टली होगी, बट फीचर्स इसमें काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे आपको, लाइक फुली डिजिटल मीटर कंसोल जिसमें कि राइडिंग मोड्स वगैरह, LED प्रोजेक्टर्स लाइट आपको देखने को मिलेगी, USD सस्पेंशन एंड काफ़ी वाइड जो है आपको टायर्स देखने को मिल जाएंगे, और ड्यूअल चैनल एबीएस वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। सो काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा NS250 में भी आपको, जिसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप जाके चेक कर सकते हो चैनल पे। अभी बात करते हैं 8th बाइक के बारे में। 8th बाइक जो आएगी वो आएगी गाइस पल्सर RS250। यस, RS250 जो आएगी, RS250 में भी जो आपको वही सेम इंजन देखने को मिलेगा जो NS250 में देखने को मिलेगा, एंड फीचर्स भी इसमें भी कुछ वही देखने को मिलेंगे जो आपको NS250 में देखने को मिलते हैं, लाइक डिजिटल मीटर कंसोल, प्रोजेक्टर, LED हेडलाइट्स जो कि पहले भी आपको मिलते थे पल्सर RS में, लेकिन वो थे हेलोजन में येलो लाइट के साथ में, अब जो आपको व्हाइट लाइट के साथ में मिलेंगे। जो लुक्स है वो जो है पहले से और ज़्यादा बेटर और ज़्यादा मस्कुलर देखने को मिलेगा। सो ये जो है इसमें भी चेंज हो सकता है। अभी बात करते हैं इस 9th बाइक के बारे में। 9th बाइक अपनी होने वाली है रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन। उसके अलावा जो इनकी हंटर 350 भी आ रही है, दोनों जो एक साथ देखा भी गया है। सो ये दोनों बाइक्स भी जो काफ़ी जल्दी लॉन्च होने वाली है, आने वाले 15 to 20 डेज में जो इनको भी लॉन्च कर दिया जाएगा। सो वाइस आप जो इनके लिए भी वेट करो। इनकी जो प्राइस है वो जो अभी तक रिवील नहीं हुई है क्या हो सकती क्या नहीं, बट क्लासिक की बता सकता हूँ कि क्लासिक जो है लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये ज़्यादा कॉस्टली होगी पहले के कंपेयरिंग में, बाकी ज़्यादा जो है फर्क आपको नहीं देखने मिलेगा। एंड लास्ट बाइक के बारे में बात करूँ तो इस लास्ट बाइक जो हमारे आती है वो आती है इस पल्सर NS125, जिसके आने से शायद जो अपनी ओल्ड पल्सर 125 है उसकी मार्केट खत्म हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो इसकी प्राइस है वो काफ़ी अच्छी रखी जाएगी, लाइक इसकी जो प्राइस है वो रूमर्स निकल के आए हैं कि इसकी जो प्राइस है वो 94,000 एक्स शोरूम होगी, एंड जो ऑन रोड जाएगी वो जो है लगभग 1,10,000 तक जाएगी। सो 1,10,000 में आपको NS160 के लुक्स में NS125 देखने को मिलेगी, वही सारे फीचर्स। सो उससे ज़्यादा जो है क्या चाहिए हमें, आप इसके लिए भी वेट करो। आने वाले जो है 1 मंथ में जो आपको NS125 भी देखने को मिल जाएगी, तो आप जो है इन बाइक्स के लिए वेट करो। सभी बाइक्स के बारे में मैंने आपको बताया, फिर भी किसी बाइक के बारे में कुछ छूट गया हो तो माफ़ करना, और कोई डाउट्स हो तो इंस्टा पे मैसेज कर लेना, आपको जो वहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा, सारे डाउट्स जो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बाकी गाइस सीधे आज की वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।